ਐਸਾ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज है वलीमा और अभी मैं भाई रेडी हैं, सुबह के बज रहे हैं 9, अभी हम लोग निकल रहे हैं और आज हमारे साथ भाई मुकरम भी जाएंगे। मनियारी वाला आया हुआ नीचे, सो भाई मुकरम भी साथ होंगे तो मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा। और एक और बात, मुझे सुबह नहीं दो तीन दिन से मुझे एक परेशानी लगी हुई है। मैं अभी नहा रहा था तो जब मैंने शैम्पू लगाया ना बालों को, तो हाथ आगे से देखे तो मेरे हाथ पे बाल ही बाल थे। कुछ दिन पहले आई थिंक हफ्ते वाले दिन मैंने जिनसे मैं बाल कटवाता हूँ भाई नफासत, उनसे मैंने पूछा भी था कि मेरे बाल गिर रहे हैं तो क्या वजह हो सकती है, तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया था। इसका मसला ये है कि ये बड़े हैं एक, क्योंकि आपने पहले इतने लंबे बाल नहीं रखे। एक दूसरे नंबर पे मौसम की भी तब्दीली है, मौसम चेंज हुआ, पहले गर्म था अभी सर्द हो गया, तो उसकी वजह से गिरते नहीं है आपके बाल, गिर नहीं रहे, टूट रहे हैं, ये टूटते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम, वो जब गिरे ना तो फिर ज्यादातर इन जगह से आगे से शुरू हो जाते हैं गिरने, या इस जगह से शुरू हो जाते हैं गिरने, फिर बंदे को महसूस होता है कि यार बाल गिर रहे हैं। लड़का गंजा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, गंजे नहीं आप होंगे, अल्लाह प्यार करे, हो भी सकता है, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी आप जो है ना आपका लेवल ऊपर जा रहा है। अभी गंजा करवाया मुझे, आपका लेवल ऊपर जा रहा है तो नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से फिर बाल, हवा तेज होने की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल ऊपर जा रहा है तो नहीं नहीं, बाल थोड़े से बड़े होने की वजह से टूट ओके हो गया, बाकी परेशानी की बात नहीं। नहीं परेशानी तो उन्होंने तो कहा था कि बाल तुम्हारे गिर नहीं रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, कुछ लगाता हूँ, नहीं, शैम्पू और तेल बस। और ऐसा नहीं है कि शैम्पू जो मैंने चेंज किया तो उस वजह से है, ये जो मैं शैम्पू लगाता हूँ ये 3-4 साल से मैं लगाता आ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस साल ये अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, लाइक एक दो होते हैं ना, 2-4-5 बाल टूटते हैं तो फिर भी होता क्या, कोई बात नहीं। लेकिन अभी ऐसे हाथ भी फेरूँ ना मैं तो लाइक यू नो टक की आवाज़ आती है, 3-4-5 बाल टूट के हाथ में आते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है, तो जब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं, हम जाएंगे बाइक पे और बाइक पे वापस आ जाएंगे खाना वाना खा के। और भाई मुकरम के गांव से होते हुए टाउन बैंक काम है, वहाँ से सीधा 1 बजे वलीमे का टाइम है, तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजे अभी, तो इंशाल्लाह हम टाइम पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी भाई मुकरम के गांव, अभी बाइक चेंज की है, हमारे वाली बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसलिए अभी भाई मुकरम वाली बाइक लेके जाएंगे, और अपनी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, अगर भाई मुकरम के भाई को ज़रूरत भी पड़े तो वो हमारे वाली बाइक चूज़ कर लें, ज़्यादा सफ़र के लिए अच्छी नहीं है, बाकी गांव में का काम हो तो वो कर सकते हैं। तो अभी हम भाई मुकरम की बाइक लेके जाएंगे, अभी वो बाइक लेने के लिए घर गए हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद ये चेहरा मुबारक हमने देखा है तो अभी सबसे पीछे मैं बैठूँगा, चलें दसर भाई। काम था टाउन में वो ख़त्म हो गया, और अभी भाई करम ने क्या लेना है, आपने रुमाल चाहिए, काम लगा हुआ है, और एक रुमाल चाहिए और चश्मे भी ले लेते हैं क्योंकि बाइक पे जाना है। हाँ, और धूल मिट्टी आजकल इतनी ज़्यादा होती है ना कि आंखों में, कल मेरी इतनी मिट्टी पड़ी थी ना कि रात को मेरी आंखें दर्द कर रही थी, तो अभी चश्मे भी लेने हैं, रुमाल लेना है और फिर निकलना है, और टाउन में ही एक हो गया, हमें एक से ऊपर टाइम हो गया हुआ है। नहीं कुछ जचे नहीं, सोने लगे हैं उन्हें, लेकिन मैं चाहना मजीद तनु सोने लगन, काफ़ी हद तक मुझे बेहतर लगे, बरल नहीं। चेक करते 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 ये वाली मुझे पसंद आई है, फिर बाद में चेक की, भाई मदसर कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, ऐसे
बनकर ने भी मेरी जैसी ली है गोल तो मेरा ब्लैक वाट अच्छी है जी। हाँ जी, तो अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है बाइक में दोस्तों का बहुत, और फिर यहाँ से मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे और हम अपने कज़न के गांव पहुँच जाएंगे। जी ये भाई पेट्रोल पंप वाले हैं, ये मुझे कह रहे हैं बार बार कि मेरी फ़ोटो बनाओ, आपकी वीडियो बना ली है मैंने, ठीक है अभी मुझे लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं लेकिन हम टाइम पे आए हैं और सबसे पहले ये जी बैठ गए हम। मेरे मुंह से पंजाबी का वर्ड निकलते हैं, उर्दू बोलते बोलते भी कई दफ़ा होता है कि पंजाबी बोल देता हूँ मैं, तो अभी सारा खाली है और मैनू इंज लगता पा मैं बुखार चढ़ जाना यार, क्यों सिर मेरा पारा पारा हों पोकना पोकना नहीं नहीं पोकना नहीं जी मेरा भी पारा पारा हों बम करम ऐसे सर घुमाइएगा साइड को, क्या चीज़ सर घुम नहीं असल में ना अभी आज घर वालों को मैंने कहा था कि दलिया बनाए तो उससे जो है वो ये मौसम है दलिया, मौसम असल में ठंड है ना इस वजह से हो रहा, दलिया खाने तो मौजा करा फिर दलिया तैवा ना देसी घ्यो पा के देसी घी पाना है, अभी वो सेटिंग कर रहे हैं, इसकी वीडियो भी डालूंगा इंशाल्लाह। क्या वीडियो डालेंगे, किसकी वीडियो डालेंगे, दलिया गुड़ में बना हुआ और देसी घी, सुभान अल्लाह, अकेले के लिए खा जाना, जैन को नहीं याद करना, जैन को मैं आप आ जाएंगे अगर आपके पास टाइम होगा, नहीं तो मैं सर आप ऑर्डर लगाए बस, कभी ना किया, डन हो गया, कभी ना किया, डन हो गया, डन है, ठीक हो गया, डू डिड डन, दिखाना डन है, दिखा यार जो दिखाना चाहना, तभी भी यहाँ पे हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं। कौन है ये बताओ तो सही, बताओ कौन हो, कौन ऊंची आवाज में, कौन चाचू की जान है, सारे चश्मे क्यों लगाए हुए आपने, की करने हैं ना, मजा आता रोटी खुल गई है, चलो जी चुक दियो, चुक दो, खाओ खाओ, बन करम करें बिस्मिल्लाह, हो गई, हम लोगों ने खाना खा लिया था और टहल रहे थे, ये सारी बच्चा पार्टी है हमारे साथ, अबूजर अहमद और अभी मैं बम करम और बम दसर जो है घर को वापस निकलने लगे हैं। हाँ जी हाँ जी, सीक्रेट बातें चल रही हैं, ऐदर नु जाना है यार, फीका है कि तरीका तू जा कड़का दी बादी है, आज अच्छा नचना है साडे यार दी शादी है, ऐ सोनी जोड़ी सजी दी है, ऐ सोनी जोड़ी सजी दी है, ऐ उसने नसीब चंगे जिन्हें मेहंदी लगदी है, ये साडे यार ने बनला शेर, ये साडे यार ने बनला
ਸ਼ੇਰੇ ਰੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੁੜੀਆ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰ ਰੁੜੀਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਦੇਵੇ ਲਾਹੌਰ ਮੁਬਾਰ ਖਾ ਸਾਰਾ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੁੜੀਆ ਹਏ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੁੜੀਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਪੁਣ ਲਿਆ ਕਰ ਮੰਨਣੀ ਚੇਤਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੁੱਡੀਆ ਹਏ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵੋ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ ਥੇ ਉਨਕਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰੋਕਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਘਰ ਕੋ ਨਿਕਲਨੇ ਲਗੇ ਕਾਫੀ ਫਨ ਕੀਆ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲੋਕ ਕੋ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹਾ ਥਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯੇ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ ਉਹ ਖਿਲੌਣਾ ਖਿਲੌਣੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਥਾ ਪਠਾਨ ਵੋ ਭਾਈ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬੇਚ ਗਿਆ ਅਬ ਇਸਨੇ ਲੈਣਾ ਥਾ ਯੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਵੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰੋਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਕਲ ਕੋ ਪੂਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੀਏ ਯੇ ਕਿਊਟੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਯੇ ਬੈਟ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ ਅਬੂਜ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਫਾਤਮਾ ਰੋ ਰਹੇ ਥੇ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਥਾ ਕਜ਼ਨ ਕੇ ਗਾਉਂ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਤੱਕ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯਹੀ ਭਾਈ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਅਭੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹਮ ਆਏ ਜਬ ਟਾਊਨ ਸੁਣਨ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈਟ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਤੀਨੋਂ ਕੋ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਘਰ ਮੈਂ ਯੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਗ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਬੈਗ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸਮੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਯਹਾਂ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਮੱਟੀ ਮੱਟੀ ਹੈ ਮੱਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਨੀ ਮੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਪੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਕੀਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਬਸ ਘਰ ਅਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਔਰ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਕਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਆਏ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਭੀ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਫਿਰ ਜਾਏਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਤੋ ਆਜ ਕਾ ਵਲਾਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਹੀਂ ਪੇ ਖਤਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਦੁਆ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼